अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एन न्यूज़ एच डी के साथ मैं मूँ आपका मेज़बान नादर पिताफ़ी आज हम मौजूद हैं टाउन के कमेटी मोहम्मदपुर दीवान में यहाँ पर मोहम्मदपुर दीवान के एक नौजवान सियासतदान जिन्होंने मोहम्मदपुर की सियासत में एक जिदत जो लेकर आए हैं मोहम्मदपुर दीवान में एक पॉजिटिव सियासत लेकर आने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जनाब फ़ारूक अहमद कुरई साहब आइए इनसे गुफ्तु करते हैं और इनसे जानते हैं मैं आपको बताते चलूँ कि फारूक अहमद कुरई साहब जो है वो कुराई बरदारी के चीफ भी हैं इसी के साथ साथ गुरुचानी ग्रुप के एक अहम रुकन भी हैं मोहम्मद पर में गुरचानी ग्रुप का एक बाजू माने जाते हैं जो हम इनसे गुफ्तु करते और उनसे जानते हैं कि आइंदा जो बल्दिया इलेक्शन आने वाले हैं इसके हवाले से इनकी क्या प्लानिंग है और गुरचानी ग्रुप के हवाले से उनसे बात करेंगे इसी तरह इनसे ये भी पूछेंगे आप जो पी डी एम की तरफ से जो एक हमें अदम अतमाद की सूरत में पाकिस्तान में एक हलचल नजर आई और पाकिस्तान तहरीक की हुकूमत खत्म होगी इसी तरह मुतह पोजीशन ने एक मैदान मार लिया और वजी मुत्यादा पोजीशन के आई है उनसे गुफ्तु कर जानते हैं जी असल फारूक भाई वाल फारूक भाई बताइएगा जो पाकिस्तान में सियासत ने एक रुख बदला है इसी तरह आप देख रहे हैं कि अब आप मुतहदा अपोजीशन और आपकी ही पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इकतदार में आ चुके हैं तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अवाम के इस हवाले से क्या तथ हैं जी अलहमदिल्ला मुस्लिम लीग एक अच्छी पार्टी है हमेशा पाकिस्तान की खिदमत कितने मुस्लिम लीग ही इन शाला महंगाई को बेरोज़गारी को ख़त्म करे असा उम्मीद रखते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज नवाज शरीफ साहब थे मियाँ हमजे शहबाज थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे इन वो भी इन शाह महंगाई को ख़त्म कर रहे सन साढ़े पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है इन हमेशा खिदमत, खिदमत कर रह गए हूँ भी इमीद इन शाला खिदमत करे सन अलहमदुल्ला अच्छा फारूक भाई आईंदा जो बलद्याती इलेक्शन का ऐलान कर दिया कि नौ जून से पाकिस्तान पंजाब में जो है बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उस हवाले से आपका क्या लाएम है आप क्या सोच रहे हैं क्या आप इस बार इलेक्शन में स्टैंड कर रहे हैं इन शाह अपने कैदीन के हुक्म तरू इलेक्शन स्टैंड करे चेयरमैन उम्मीदवार हूँ जिमें पार्टी चाहिए इन शे मशावरा इनशाला इलेक्शन स्टैंड करे अल्लाह के हुक्म लोगों को सहूलियात दे सौ इन शाह पाक ने साकूम मौका दिते जरूर खिदमत करे सो इन शाह अच्छा फ़ारूक भाई आपने सियासत में कदम रखा तो लोगों की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिला अलहमदुल्ला लोगों का अच्छा रिस्पांस है इलाके लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं चाहे आपोजिशन बिछ से या हर अपोजीशन आ गयों भाद्रोह कर दूँ कोशिश कर जो भी गरीबों का कम थी वन गरीबों को रिलीफ मिली वजे तो हमेशा इन कर रहे वैसे अलहमदिल्ला अच्छा फ़ारूक भाई बताइएगा सरदार शेर अली गुरचानी आपके जो लीडर हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब अवाम जो वैसे एक बात मानने की है कि सरदार शेर अली खान गुरचानी ने जो राजनपुर की सियासत में एक हलचल मचाई लोगों के साथ मिलना लोगों को प्रमोट करना तो इस वजह से आप क्या कहेंगे जी माशाल्लाह शेर अली खान राजनपुर के चीफ हैं वो अच्छी सियासत कर राजनपुर एक यानी कि अच्छी सियासत घिनते हैं सरदारें को मकसद घुटने टिकवा देते हैं हूँ भी उम्मीद रखें दूँ बाकी दिन इस बहुत अच्छी सियासत करें

तो सारे सामने हैं सारी लोगों के ज़्यादा इन्हें प्रोजेक्ट दीते सड़क सोलगा नालियां मकसद गर्ल कॉलेज इमें काफ़ी सारे बाकी सरदार बहु ही अच्छे काम करते गए हैं हूँ भी इन शवाम उन्होंने कुछ चाहती दिए आइंदा इलेक्शन वो कामयाबी हासिल करे अच्छा फारूक भाई आप बताइएगा आप सियासत में हैं तो यहाँ कर यहाँ के जो लोग हैं उनके किस तरह के मसाइल हैं और आप उनको किस तरह से आइंदा हल करना चाहेंगे इन शाई जान ये जो शहबाज़ शरीफ सा हमारे वजीर अजम बने हैं ना इनसे हमें उम्मीद है ये जो है ना मसाइल हल कर सकते हैं ये जानते हैं ये पाकिस्तान के हक़ में मुखलस हैं ज़रूर इन शह ये सब मसाइल हल हो जाएंगे जो भी हैं इधर मकसद बेरोज़गारी है या महंगाई वगैरह जितने भी मसाइल हैं सड़कों के स्कूलों के जितने हैं इन शाला ज़रूर हल करेंगे वो मेहनती आदमी हैं बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के ये तो होगी हमारी कौमी लेवल पर शहबाज शरीफ के हवाले से और जो हमारे इलाकाई मसाइल हैं उनके हवाले से आप क्या मोहम्मदपुर के आवाम के जो मसाइल हैं इस तरह आपकी जो यूनियन कौंसल पुरानी चाकौड़े वाला मतलब जो मौजा था और यहाँ मोहम्मदपुर की जो यूनियन कौनसल इनके वाले से आप क्या कहें हाँ मकसद कौड़े वाले की जो सियासत है पहले सरदारों ने इसको पसमानदा रखा है हमारे कौड़े वाले के काम नहीं हुए पहली हुकूमतों में इन अब हमारी हुकूमत आ गई हम कोशिश करेंगे भाग दौड़ करेंगे और गरीब आवाम को रिलीफ देंगे रोड भी इन शाला कोशिश करेंगे सरदारों को सरदार शेर अली खान को रिक्वेस्ट करेंगे वो आप रोड भी हमें बनवा के देंगे बाकी जो मसाइल हैं स्कूल वगैरह वो भी उनके बारे में भी कोशिश करेंगे अल्लाह के हकुम से इनशाला हम उम्मीद रखते हैं सब ठीक हो जाएगा फारूक भाई मोहम्मदपुर का या अगर हम कहें पूरे ज़िले राजनपुर का एक जो बहुत ही बड़ा मसला है ये कातिल रोड इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए ये भी इन शाह शरीफ ने देखो पहली हुकूमत में भी काफ़ी सारे रोड बनाए हैं नवाज शरीफ भी रोडों के हवाले से टाप करते हैं इन शह उम्मीद है इसी हकूमत में भी इन बनेगा रोड डबल रोड इन ज़रूर बनेगा हम उम्मीद रखते हैं मियाँ शोबाज़ शरीफ़ से इनशा वो ज़रूर हमें ये रोड देगा अच्छा फरुखी राजनपुर का एक रोड के अलावा एक बहुत बड़ा मसला है कि राजनपुर में कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस तक भी नहीं मौजूद इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे वो सर अल्लाह पाक बेहतरी करेगा बाकी सरदारों ने तो देख लिया है आपने कितनी उन्होंने मकसद झूठे दावे किए हैं मकसद आवाम को उन्होंने पागल समझा है अब फाजलपुर में पहले बन रही थी उसके बाद राजनपुर फिर जो है ना कोर्ट में ठंड चली गई अभी तक उसका कोई नाम व निशान नहीं है पी टी ने तो हमेशा वैसे और लोगों के साथ झूठ ही बोला है तो इन उम्मीद करते हैं हम ये हुकूमत हमें रिलीफ देगी यूनिवर्सिटी भी बना के देगी बाकी भी जितनी मसाइल हैं हमारे जनूबी पंजाब के या हमारे राजनपुर के तो इन श्ला मियाँ शहबाज़ शरीफ़ मियाँ हमजा शरा शहबाज इन शे हल कर देंगे हमेशा करते हैं ये काम गरीबों के मकसद पाकिस्तान के ये सही मान मुखलस हैं अच्छा आप बताइएगा कि यहाँ पर जो आपसे पहले यहाँ पर क्योंकि सियासत की एक बहुत बड़ी जीम चल रही है सरदारी फ्यूडलिज्म जो कि लोगों को दबा के रखते हैं तो आपने अब सियासत में कदम रखा है तो आपकी क्या पॉलिसीज़ होंगी आपके जो हल्के की आवाम होगी उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे इन हम जो है ना ये ट्रेंड चेंज करेंगे ये चोरी बदमाशी डकेतीटी ये गुंडागर्दी वाली हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे गरीब आवाम जो पिस रही है इनशाला हम इनको रिलीफ देंगे इनके साथ चलेंगे शाना बशाना चलेंगे ये गुण्डागर्दी हम नहीं करने देंगे अल्लाह के फजलो करम से अच्छा आपके जो हल्के की आवाम हैंसिल की जो आवा है आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे वो इनशाला अब मायूसी नहीं होगी इनशाला के फजलो करम से ये महंगाई जो चल रही है ये भी आहिता ऐसा कंट्रोल हो जाएगी बाकी जो बिजली का निज़ाम है ये भी सेट हो जाएगा ऐसा ऐसा हो जाते हैं इतनी जो महंगाई का यानी कि पीटीआई हमारे ऊपर पहाड़ मुसलत कर गई है बाकी मैं अपनी हल्के की आवाम को ज़िला राजनपुर की आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ ऐसा ऐसा ये सब ठीक हो जाएगा हमें जो है ना फखर है अपने कायदीन पे वो काम करते हैं सही माने पाकिस्तान के मुखल हैं हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है तो एक बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून जो मकसद पाकिस्तान का ये फख्र है इन उम्मीद है ये महंगाई वगैरह बेरोज़गारी कंट्रोल कर देंगे अल्लाह के से नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे जनाब फ़ारूक अमद कुराई साहब चीफ ऑफ़ कुराई हमने इनसे गुफ्तु -गु की तो इनका कहना था कि मोहम्मदपुर दीवान की जो सियासत है यहाँ पर जो चोरी डकेटी गुंडा गुंडा गर्दी की जो सियासत है इन शब जब सियासत में आए हैं क्योंकि ये नौजवान हैं तो इनका कहना था हम ये जो सियासत का सिस्टम है हम इसको टोटली चेंज करेंगे और हम मोहम्मदपुर की सियासत में एक पॉजिटिव सियासत को प्रमोट करेंगे मोहम्मदपुर के आवाम के सारे के सारे मसायल हम हल करेंगे ये गुण्डा गर्दी को हम ख़त्म करेंगे इसी तरह और भी जो आवाम के मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे इसी तरह कौमी सियासत के हवाले से इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो कि एक अवामी जमात है जिसने हमेशा आवाम के फ़ायदे की बात की हैमाम का फ़ायदा सोचा है और राजनपुर के जो सबसे बड़े मसाइल हैं यहाँ के कातिल रोड इंडस हाईवे उनका कहना था कि नून लीग की हुकूमत जो आई है इनशाला वो हमारे कातल रोड का मसला भी हल करेंगे इसी तरह जो राजनपुर का दूसरा सबसे बड़ा मसला है यूनिवर्सिटी का तो इनशाला बहुत जल्द राजनपुर में लीग ही यूनिवर्सिटी देगी तो अब इजाजत दीजिए अपने मेजबान नादर पिता कैमरा मैन आसिफ शाह के साथ इनशाला मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए